नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगस्त 2018 की बात है कि मैं अपने क्लिनिक पर बैठकर पेशेंट देख रहा था और अचानक एक व्यक्ति बहुत जल्दबाजी में मुझसे मिलना चाहते थे, तो वो सीधे क्लिनिक में एंटर हुए और वो अपनी मदर को लेकर मेरे पास आए थे। मदर की जो उनकी कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा सीरियस थी, तो मैंने उनको बोला कि इनको तुरंत हॉस्पिटल लेके जाइए। तो उन्होंने बोला, सर हम हॉस्पिटल ले जाएंगे लेकिन पहले हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि बताइए इनको क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बताया कि सर इनको थायराइड की प्रॉब्लम है और लगभग 20 साल पुराना इनका थायराइड का केस था और ये अभी होम्योपैथिक मेडिसिन ले रही हैं थायराइड की एलोपैथी के साथ में। तो मैंने जब उनसे इन्वेस्टिगेशन मांगे और उनकी रिपोर्ट्स वगैरह देखी तो उनको हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम थी और वो कुछ मेडिसिन्स होम्योपैथी की भी ले रही थी जिनमें एक ड्रॉप था जिसको R51 ड्रॉप बोलते हैं। तो मैंने जब उस ड्रॉप को देखा तो मैंने उनको बताया कि ये तो थायराइड की मेडिसिन नहीं है, और मतलब हाइपोथायराइड की मेडिसिन नहीं है, ये तो हाइपरथायरॉयडिज्म में यूज़ होती है, उस पर लिखा हुआ भी है कि ये थायरोटॉक्सिकोसिस की मेडिसिन है। तो उन्होंने बोला कि सर हमने YouTube पर किसी का वीडियो देखा था और उन्होंने डॉक्टर साहब ने ये हमें बताया था और हम उसको यूज़ कर रहे हैं और जब से हम इसको ले रहे हैं तब से ही हमारी जो मदर हैं उनकी कंडीशन ख़राब होती चली गई। तो मैंने उस समय तो कोई कमेंट करना उचित नहीं समझा क्योंकि YouTube पर मैंने उनको देखा नहीं था। फिर मैंने उनसे वीडियो मांगा, वो वीडियो देखा मैंने उन डॉक्टर साहब का, और उस वीडियो में उन्होंने R51 को हाइपोथायराइड की मेडिसिन बताया। तो मुझे एकदम से शॉक लगा कि हाउ इज दिस पॉसिबल, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब चूंकि ये पेशेंट, इन्होंने ये ड्रॉप इतने इस लंबे समय से, लगभग 6 महीने से वो उस ड्रॉप को ले रही थी और उनकी हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी, तो अंत में मैंने उनको तो हॉस्पिटल भेज दिया। लेकिन मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन ये उठ गया कि होम्योपैथी के बारे में अगर लोग इस तरह से मिसकंसेप्शन अपने मन में पाल लेंगे और इस तरह से गलत दवाइयों का यूज़ करेंगे यूट्यूब पे कुछ डॉक्टर्स की बातों में आकर, तो फिर होम्योपैथी का क्या होगा। तब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी लोगों के बीच जाऊं और उनको होम्योपैथी की जो असलियत है उनसे वाकिफ कराऊं कि ये वास्तव में जो होम्योपैथी है वो किस तरह से काम करती है, होम्योपैथिक दवाएं जो हैं वो किस तरह से काम करती हैं। और दोस्तों, लगभग 1 महीने के समय के बाद 10 सितंबर 2018 को मैंने यूट्यूब पर अपना पहला वीडियो अपलोड किया था। वायरल फीवर का वीडियो था दोस्तों वो, और वायरल फीवर के उस वीडियो के साथ ही मेरी यूट्यूब पर ये यात्रा शुरू हुई थी। तो दोस्तों, ये यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ती चली गई और मुझे आप लोगों के रूप में बहुत अच्छे अपने फ्रेंड्स मिलते चले गए, मेरे सब्सक्राइबर्स मिलते चले गए, मुझे अपने पेशेंट्स मिलते चले गए, और आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और उस यात्रा के कारण अभी जब मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हुए तो यूट्यूब की तरफ से मुझे एक अवार्ड मिला है जिसको सामान्य भाषा में सिल्वर अवार्ड बोला जाता है। यूट्यूब इसको सिल्वर अवार्ड बोलता है, और दोस्तों ये वो अवार्ड है जो यूट्यूब की तरफ से मुझे प्राप्त हुआ है, इसको सिल्वर प्ले बटन भी बोला जाता है। तो 1 लाख सब्सक्राइबर जब पूरे हो जाते हैं तो ये अवार्ड जो है वो यूट्यूब चैनल के जो ओनर होते हैं उनको दिया जाता है और इस पर उनका नाम लिख दिया जाता है। तो दोस्तों, बेसिकली तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो अवार्ड मुझे मिला है ये सब आप ही लोगों के, चूंकि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है इसलिए ये अवार्ड मुझे मिला है। तो बेसिकली मैं इसको आपका अवार्ड मानूंगा, और आप सभी लोगों ने जो मुझे इतना सहयोग दिया है, बहुत सारे लोग हैं जो मुझे कंटिन्यूअसली सपोर्ट करते हैं और कंटिन्यूअसली मेरे चैनल पर अपनी राय देते हैं, इनमें से बहुत सारे लोगों के कारण मैंने अपने चैनल में बहुत सारे बदलाव भी किए हैं, और उनकी ये अच्छी बातें मुझे बहुत अच्छा महसूस कराती हैं कि आप सब लोग मुझे इतने अच्छे से सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह से आप लोगों का सपोर्ट निरामय होम्योपैथी को मिलते रहे और आप सभी की भी जो समस्याएं हैं वो मैं उनको सॉल्व कर सकूं। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, धन्यवाद दोस्तों। मेरे अगले वीडियोस को देखते रहिएगा जिनमें मैं आपसे कुछ नई बीमारियों के बारे में बात करूंगा और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में बात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।